हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट आंसर्स। सो गाइस, यहां पर बहुत दिनों से आपके लिए पेपर एनालिसिस नहीं आ पा रही थी। 24 मई से 27 मई तक नहीं आ पा रही थी, अभी तक नहीं आ पा रही थी। तो आज फाइनली मैं यहां पर आपके सामने पेपर एनालिसिस लेकर आया हूं 24 मई टू 27 मई का। ओके गाइस, तो यहां पर ऑल शिफ्ट का एनालिसिस है, रीजनिंग का क्या क्वेश्चन आया है और किस टाइप से अभी तक सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी तक यहाँ पर जिससे रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। और इसकी जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा एक पीडीएफ के एक पेज में। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि अब एग्जाम बहुत ही आधे एग्जाम अभी तक खत्म हो चुका है और यहाँ पर लास्ट में आपका एग्जाम पहुंच चुका है, आधे से ज्यादा एग्जाम हो चुका है। तो लास्ट में कैसा क्वेश्चन आएगा ये सब आप पेपर एनालिसिस से पता लगा सकते हो, क्या क्वेश्चन अभी तक क्या पैटर्न रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैं आज आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो रीजनिंग की। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर वन जो पूछा गया था गाइस, पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर टॉपिक है जो सारा जो रीजनिंग अभी तक क्वेश्चन जिससे आए उसको मैं मेंशन कर दूंगा बोर्ड पे और सारे जो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे लिंक में। ठीक है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था गाइस, नंबर वन क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो मेरे पास आया है, तो पहला क्वेश्चन मुझे इस टाइप से पूछा गया था यहाँ पे कि अगर 120 है, ओके, ये एनालॉजी से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 143 अगर है तो रेशियो क्या होगा इसका, यहाँ पर ये क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आया मेरे पास, सिर्फ क्वेश्चन आया, तो एक पैटर्न यहाँ निकल के आ रहा है। इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है और इसी टाइप से एग्जाम ऑप्शन भी दिया होगा, तो आप देख सकते हो जाकर एग्जाम में, अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैच कर सकते हो इससे। जैसा कि यहाँ पर एक पैटर्न निकल के आ रहा है कि अगर आप 11 का स्क्वायर करोगे, ओके गाइस, अगर 11 को स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पर 21 आने वाला है और इसको अगर माइनस कर दो तो आपका 120 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप 13 का स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर जैसे ही आप करोगे यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 169 और यहाँ अगर माइनस 1 कर रहा तो 168 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसको, तो अगर आप 12 का स्क्वायर कर देते हो तो यहाँ पर 144 आ जाएगा। ओके, अगर 144 को अगर 1 से माइनस करोगे आप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों के बीच 11 एंड 13 के बीच 2 का यहाँ पर गैप है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी इसी टाइप से लेंगे, 14 लेंगे और 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पर पता है 14 का स्क्वायर यहाँ पर आने वाला है 196 आने वाला है। इसके अगर आप माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर 1 से, तो आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है 195, जो कि आंसर भी आपका होने वाला है 195। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे में और आरआरबी जेई सीबीटी1 के जो पेपर एनालिसिस है इसमें देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। सो गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर सीरीज से है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको और यहाँ पर डिटेल में बात करें इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच जो गैप आ रहा है वो 1 का आ रहा है। ओके गाइज, 1 का आ रहा है, फिर इन दोनों के बीच जो गैप आ रहा है वो 4 का आ रहा है और इन दोनों के जो बीच का जो गैप है वो आप देख सकते हो 27 का आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों की गैप की बात करूं तो यहाँ पर भी 16 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक पैटर्न निकल के आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर कर रहा हूँ 1 का स्क्वायर, तो आप अगर 1 का क्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, अगर 1 का क्यूब कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर 1 को मैं क्यूब कर दूं तो आपका जो आंसर है, अगर मैं 1 का क्यूब कर दूं तो आपका 1 आएगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दूं तो 4 आ जाएगा। फिर सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर 3 का क्यूब कर दूं तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पैटर्न आपको यहाँ पर पता चल चुका होगा कि अगर मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूं तो यहाँ पर 16 आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर जो होगा, अगर ये और नंबर मान लो इसको मैंने माना, तो यहाँ पर अगर मैं 5 का क्यूब करूंगा तो जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, जो अगर 5 को अगर आप क्यूब करो तो आपका वैल्यू यहाँ पर 125 आएगा, उससे मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा तो आपका 175 आ जाएगा आंसर। ओके गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जिस टाइप से अभी तक अप्लाई किया गया है, अगर मैंने यहाँ पर 1 का क्यू किया तो देख सकते हो इसमें 1 प्लस कर दिया गया। क्यू करने के बाद जो है, मान लो 1 का क्यू 1 होता है तो यहाँ पर 1 प्लस
3 किया गया तो 1 plus 1 किया गया, 2 plus 1 किया गया तो 3 आ गया। सिमिलरली यहां पर भी वही किया गया, यहां पर आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, इसमें प्लस किया 7 आ गया, यहां पर भी वही किया मैंने, तो वहां पर मैंने वही पैटर्न अप्लाई किया और यहां पर आंसर आपका इस टाइप से आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ लेते हैं। सो गाइस यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिगर क्लासिफिकेशन से, तो फिगर क्लासिफिकेशन से यहां पर नहीं, ये मिरर यहां से पूछेंगे, मिरर से पूछा गया था, ठीक है, फिगर क्लासिफिकेशन नहीं, मिरर से पूछा गया था, मिरर लाइक एक आपको वर्ड दे दिया गया CAT कैट और इसका मिरर इमेज क्या होगा पूछा गया, ओके, और ऑप्शन में आपको ऑप्शन मेंशन किया होगा, ऑप्शन मेरे पास नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूं इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका पास वाला यहीं पे रह जाएगा T और बीच में जो A है वो भी यहीं पे रह जाएगा और C जो है इस टाइप से बन जाएगा, तो ये इसका मिरर इमेज बनेगा। अगर कैट का मिरर इमेज बन रहा है तो इस टाइप से आपका मिरर इमेज बनेगा, ऑप्शन आपका जो राइट होगा वो ये हो जाएगा। ओके गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक था वो कोडिंग से था, जो कोडिंग से क्वेश्चन आया था, कोडिंग से रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि आपको पता है गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोडिंग में क्या क्वेश्चन पूछा गया। कोडिंग में अगर पूछा गया यहाँ पर, अगर येलो का कोडिंग यहाँ पर एक्स एफ के एम एन एक्स किया गया तो बी ओ आर डी ई का कोडिंग डी ई आर का कोडिंग क्या होगा यहाँ पर, ठीक है गाइस ऐसा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले बात अगर इसकी करें डब्ल्यू एक्स की, तो यहाँ से प्लस वन हो रहा है, ठीक है, यहां से प्लस वन हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है गाइस, यहां से आप देखो तो माइनस, यहां पर देखो आप यहां पर माइनस वन हो रहा है, फिर जाएगा यहां पर हो जाएगा, ठीक है, वाई से एक्स से अगर माइनस वन के लिए वाई हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर गाइस, यहां पर आप देखते हो वाई से अगर आप एक माइनस ले जाओ तो एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, ई से हम एफ जा रहे हैं तो प्लस वन जाएंगे, ओके। अगर आप देख सकते हो एल से अगर के जा रहे हैं तो आप यहां पर क्या माइनस जाना पड़ेगा, ओके गाइस। फिर यहां पर आप देख सकते हो फिर यहां पर प्लस जाना पड़ेगा, एल से अगर एम जा रहे हैं तो यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर आप अगर देख सकते हो अगर ओ से अगर एम जा रहे हैं तो फिर यहां पर क्या जाना पड़ेगा, माइनस जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सिमिलरली अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करें तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ से प्लस आना है, ओके, जैसे ही यहाँ से प्लस आएंगे तो क्या ये हो जाएगा एस, अगर यहाँ से माइनस जाएंगे गाइस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओके, और यहाँ से अगर फिर प्लस जा रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा टी, फिर यहाँ से अगर माइनस जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ओ, फिर यहाँ से अगर प्लस जाएंगे डी के बाद आता है ई, और फिर यहाँ से अगर माइनस जाना है मुझे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस टाइप से कोडिंग होगा यहाँ पर बी ओ आर डी ई आर का, इस टाइप से आप कोडिंग कर सकते हो, इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन आया होता तो यहाँ पर आपको बताने की, अगर डबल एट यहाँ पर फोर एट दिया, फिर यहाँ पर ट्रिपल सिक्स दिया, फिर यहाँ पर डबल फोर दिया, तो नेक्स्ट डिजिट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एक पैटर्न निकल के आ रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर डिलीट डिलीट कम होते चला जा रहा है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एट था, यहाँ पर सिक्स, यहाँ पर फोर हो गया, यहाँ पर टू का डिफरेंस चल रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर एक डिजिट कम लिखे, यहाँ पर अगर टू का डिफरेंस लिखे तो यहाँ पर क्या टू हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या होगा, टू हो जाएगा, ओके गाइस इसका आंसर टू हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड ऑड, तो यहाँ से आपको ऑड बताना है क्या होता है, आप देख सकते हो कार वैन और बस ये सब क्या है, ये फोर व्हीलर है, और ये क्या है ऑटो, क्या है ऑटो, थ्री व्हीलर यहाँ पर है, ठीक है, ऑटो यहाँ पर थ्री व्हीलर है, इसीलिए यहाँ पर ऑड क्या आ जाएगा, ऑटो हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन फोर राइट हो जाने वाला ऑटो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, तो बस ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर पैटर्न होने वाला है। तो यहाँ पर अगर पैटर्न की बात की जाए तो अगर आप फोर का स्क्वायर करोगे, ओके, तो यहाँ पर टू सिक्स फाइव सिक्स आ जाएगा, और इसको अगर टू से डिवाइड करेंगे ना तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 128 आ जाएगा। अगर यहाँ पर यानी यहाँ पर फोर होगा, ठीक है, यहाँ पर फोर का स्क्वायर होगा, फोर को फोर टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फोर का स्क्वायर नहीं करना, फोर को फोर टाइम मल्टीप्लाई आप करोगे 256 आ जाएगा, और उसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, टू से डिवाइड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर सिक्स को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्स को मैं सिक्स टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा। तो अगर मैं इससे कैंसिल आउट कर दूंगा और इसका अगर तो यहाँ पर सिक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाने वाला है 648 आपका यहाँ पर क्या आंसर आ जाने वाला है मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, सिक्स को फोर टाइम मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर फोर को फोर टाइम मल्टीप्लाई मैंने किया था, यहाँ पर सिक्स को सिक्स फोर टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और टू से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 648 आंसर आ जाएगा आपका, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस ये यहाँ पर क्वेश्चन आया था और यहाँ पर इसको बोलते हैं फिगर क्लासिफिकेशन, तो यहाँ से पूछा गया था गाइस यहाँ पर कि क्या चूज द डिफरेंस, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आया था चूज द डिफरेंस, तो यहाँ पर आपको बताना डिफरेंट कौन सा इसमें है।
तो आप यहाँ पर अगर इस ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखो, डिटेल में अगर इसको इसके बारे में बात की जाए गाइस, तो आप देख सकते हो ये क्या ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये और इस टाइप है और ये और नीचे की तरफ, यहाँ पर एक ही डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि ये कॉर्नर की तरफ है और इस टाइप से क्रॉस है, इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन टू हो जाएगा। अगर डिफरेंट की बात करें सबसे डिफरेंस यहाँ पर ये दिख रहा है गाइस। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग अगर एक पैटर्न की बात की जाए तो एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 15 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से तो आपका आएगा 60, और 60 का अगर प्लस कर दे 5 से तो आ जाएगा 65। तो यहाँ पर अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो अगर आप 24 को मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स, उसके बाद प्लस करोगे 5 यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आने वाला है तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1101 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, 101 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस टाइप से दिया गया है। ओके गाइस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन आया था कुछ इस टाइप का, तो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या है, 5 has 3 at 4 is equal to 19। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को 3 से तो यहाँ पर 15 आएगा, और प्लस करोगे 4 के तो आप यहाँ पर 19 आपका आंसर आ जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पर आप 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर 72 आएगा, और अगर आप प्लस कर रहे हो 3 उसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 75। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आएगा यहाँ पर 30, और 30 का अगर हम लोग आप प्लस कर रहे हैं 4 से तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 34। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 34 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सो गाइस यहाँ पर लास्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिफरेंस है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, अगर मैं रेफरेंस की बात करूँ तो 4 की डिफरेंस है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों के बीच ही 4 का डिफरेंस आ रहा है। आप देख सकते हो दोनों के बीच ही 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर अगर सिमिलरली मैं और यहाँ पर बात करूँ तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से भी क्या होना चाहिए, यहाँ से भी 4 का डिफरेंस आना चाहिए जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर जो होने वाला है 27, अगर ऑप्शन में दिया था आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर 27 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर पता नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है कोई यहाँ पर सोरेटी नहीं इस बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन राइट है, ठीक है, बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में और इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेगुलरली। ओके गाइस, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया, तो आप पीडीएफ जाके देख सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि अभी तक रेगुलरली जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे आगे भी रेगुलरली, उम्मीद की जा रही है उसी से क्वेश्चन आएगा, और सिमिलरली हम तो जितने भी अगर सिर्फ में क्वेश्चन आया लगातार उसी टॉपिक से आ ही रहे हैं, और कोई डिफरेंट कुछ नहीं है, बस डाटा थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपको पेपर एनालिसिस एंड ऑल भी सारे प्रोसेस मिलते रहेंगे यहाँ पर, जॉब अपडेट्स भी मिलते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट आंसर।